So, Monto students, how are you all? I hope so you all are fine. Today we will start our skill booster and start our English work. Open page number 14. Today our topic name is words making. Letters के साथ आपने words को बनाना है कि किस letter से कौन सा word बन सकता है. There are two skills here. The first one is listening and the second one is speaking. Listening सुनना, speaking बोलना. What do you mean by ELOs? Expected learning outcome. Develop phonetic awareness by understanding how sounds combine to form words. इससे एक तो आपके फोनेटिक साउंड्स जो हैं वो आपको पता चलेगा कि कौन से लेटर की कौन सी साउंड है, आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और उस साउंड से आप वर्ड्स को बना सकेंगे. द फर्स्ट लेटर इज आई. आई, अब देखिए फर्स्ट थ्री लाइंस में आपने आई को राइट करना लाइक दिस. देन आपने आई का साउंड जो है वो राइट करना है मिड की टू लाइंस में. आई का साउंड क्या होता है? ई. आई का साउंड क्या होगा? ई. आई ई आइसक्रीम. यस, वेरी गुड. आपने सेम एज इट इज इसको लिखना है जैसे आपके पास ऊपर लिखा गया है. आपने सेम एज इट इज इसको कॉपी करना है लाइक दिस. अगेन आपने लिखना है आइसक्रीम. आइसक्रीम. द नेक्स्ट लेटर विल बी जे. जे फोर लाइंस में आपने जे को राइट करना है कैपिटल जे. जे का साउंड सेम एज इट इज राइट करेंगे लास्ट की थ्री लाइंस में. जे का साउंड क्या होता है? ज. जे का साउंड क्या होता है? ज. पिक्चर की तरफ देखिए, आपके पास क्या बना हुआ है? जेजा जेली. जेजा जेली. यस, वेरी गुड. सेम एज इट इज आपने अगेन इसको राइट करना है जेजा जेली. द नेक्स्ट लेटर विल बी के. द नेक्स्ट लेटर विल बी के. के फर्स्ट थ्री लाइन्स में आप राइट करेंगे लाइक दिस. देन आपने के का साउंड राइट करना है फर्स्ट थ्री लाइन्स में. के का साउंड होता है क. के का काइट. क्या बना हुआ है आपके पास? के का काइट. यस, वेरी गुड. सेम एज इट इज आप इसको अगेन राइट करेंगे. द नेक्स्ट लेटर विल बी एल. फर्स्ट थ्री लाइन्स में आप एल को राइट करेंगे लाइक दिस. देन अगेन इसका साउंड राइट करेंगे फर्स्ट थ्री लाइन्स में. एल का साउंड क्या होता है? उल. एल उल लेमन. एल उल लेमन. सेम एज इट इज आपने इसको राइट करना है. उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आ गया होगा. सेम एज इट इज़ आपने इसको राइट करना है और रीड करना है. फोनिक साउंड्स के साथ लर्निंग करनी है इसकी और पिक्चर्स को आप कलरफुल बना के अपने वर्क को अच्छा बना सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.